आज हम बना रहे हैं एक और झटपट रेसिपी। सिर्फ दो इंग्रेडिएंट्स को यूज करते हुए स्ट्रॉबेरी क्रीम। इसके लिए हमें चाहिए स्ट्रॉबेरीज। आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं जितने भी आप डालना चाहते हैं। एक कप यहाँ पर मैं व्हिप क्रीम यूज कर रही हूँ। स्ट्रॉबेरीज को हम ये ऊपर का ग्रीन पार्ट रिमूव करके छोटा छोटा चॉप कर लेंगे। क्रीम को हम एक बड़े बोल में लेके व्हिप करेंगे। बड़े बोल में निकाल लेते हैं क्रीम को। बीटर की हेल्प से हम इसको बीट कर लेंगे। क्रीम हमारी यहाँ पर व्हिप हो गई है। इसको व्हिप करते हुए हमने कोई भी शुगर ऐड नहीं किया है, क्योंकि नॉन डेरी क्रीम मैं यूज कर रही हूँ यहाँ पर, वो ऑलरेडी थोड़ी सी मीठी होती है। प्लस स्ट्रॉबेरीज जो मैं यूज कर रही हूँ वो मैंने खा के देखी है, वो भी मीठी है। अगर आपकी स्ट्रॉबेरीज जो आप यूज कर रहे हैं वो कम मीठी हो या तो फिर खट्टी हो तो आप इसमें थोड़ी सी शुगर भी ऐड कर सकते हैं। इसको एक साइड पे रख देंगे और आ जाते हैं अपने असेंबलिंग की तरफ। क्रीम हमने व्हिप कर ली, स्ट्रॉबेरीज को हमने चॉप कर लिया। स्ट्रॉबेरीज को एक साइड पे रख देंगे और क्रीम यहाँ पर आप इसी तरह से व्हाइट क्रीम भी यूज कर सकते हैं। इसमें स्ट्रॉबेरीज के चंक डाल के इसको फोल्ड करके ठंडा करके सर्व कर सकते हैं। मैं यहाँ पर अच्छे प्रेजेंटेशन के लिए इसमें से हाफ क्रीम निकाल लूंगी और हाफ में हम डालेंगे पिंक कलर या स्ट्रॉबेरी इमल्शन। अगर आपके पास है तो आप वो भी डाल सकते हैं, या अगर आपके पास स्ट्रॉबेरी सिरप या स्ट्रॉबेरी क्रश है तो आधे में आप वो भी डाल सकते हैं। तो आधा मैं व्हाइट वाला पार्ट एक पाइपिंग बैग में भर लूंगी। पाइपिंग बैग को यहाँ पे मैंने ग्लास पे रख लिया है। आधा हमने व्हाइट एक पाइपिंग बैग में भर लिया। अब आधा जो बचा है इसमें हम डालेंगे स्ट्रॉबेरी इमल्शन। ये आपको इजीली मिल जाता है, ये ऑप्शनल है। इमल्शन हम इसमें दो तीन ड्रॉप्स डालेंगे क्योंकि लाइट सा हमें कलर चाहिए इसका, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब ये पिंक वाला जो हमने इमल्शन डाल के बनाया है इसको भी हम एक और पाइपिंग बैग में भर लेंगे। एक ग्लास के ऊपर मैंने पाइपिंग बैग लगा दिया है, इसमें हम ये पिंक क्रीम भी भर देंगे। अब ले आते हैं हम अपने सर्विंग ग्लास। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे स्ट्रॉबेरी के पीसेस जो हमने चॉप करके रखे थे। इसके ऊपर मैं डालूंगी तो सबसे पहले हमारी व्हाइट क्रीम। साइड साइड से हम इसको डालेंगे ताकि बाहर से दिखने में अच्छा लगे। इसके बाद डालेंगे पिंक क्रीम की लेयर। इसके पहले हम डाल देते हैं थोड़े से स्ट्रॉबेरीज के चंक्स। अब हम डालेंगे पिंक क्रीम। पाइपिंग बैग में भरना कोई जरूरी नहीं है, आप स्पून से भी भर सकते हैं। पिंक क्लियर हमने लगा दी, इसके ऊपर फिर से डालेंगे स्ट्रॉबेरीज के चंक्स। और फिर से एक बार व्हाइट क्रीम। दोनों सर्विंग्स हमारी रेडी हो गई। अब हम उसको गार्निश करेंगे फ्रेश स्ट्रॉबेरी के फैन के साथ। अब भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए प्लीज। और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।